कश्मीरियत को सींचने में, उसको आगे बढ़ाने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन तीन खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को भी अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। ये तीन खानदान, उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे कश्मीरी सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुल्म के भागीदार बने रहे। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सिर्फ और सिर्फ बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी सबको जोड़ रही है। हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। आज देखिए कश्मीर वादी रेल से जुड़ रही है, इससे सेब किसान को, दूसरे फल सब्जी किसानों को फायदा होगा। आपकी फसल कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से टूरिज्म सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। यहां नए कारखाने, नई फैक्ट्रियां, नए कारोबार शुरू होंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया आया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। पवित्र हजरत बल है,
चरारे शरीफ है, जामिया मस्जिद है, ख्वाजा नक्शबंद साहिब दरगाह जैसे स्थान है, यहां शंकराचार्य मंदिर है, ज्येष्ठा माता बसी है, खीर भवानी है, इन तीन खानदानों के राज में हमारी ये पवित्र जगह भी महफूज नहीं थी। बीते दशकों में यहां फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई थी, यहां सिनेमा हॉल पर भी ताला लग गया था। एक दौर था जब लाल चौक पर आना, यहां तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। बरसों तक यहां लोग लाल चौक में आने से डरते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। श्रीनगर के बाजारों में अब ईद और दिवाली दोनों की रौनक देखने को मिलती है। तीन दहाइयों के बाद अब जाकर यहां मुहर्रम का जुलूस निकल पाया है। अब लाल चौक बाजार में देर शाम तक चहल पहल रहती है। यहां बच्चे खेलते हैं, यहां देश दुनिया से रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। रिक्शा हो, टैक्सी से लेकर दुकान ढाबे और शिकारे वाले तक, हर कोई शांति से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ये अमनो अमान, ये साजगार, ये माहौल, ये काम किसने किया है? ये काम मोदी ने नहीं, ये काम सब कुछ आपने किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है, यहां के तीन खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है, कुचला है। आप याद कीजिए, 80 की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था? इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। ये अपने खानदान के सिवाय दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते, वरना पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन को इन्होंने क्यों रोका? इनको लगता था कि इससे नए लोग सियासत में उभरेंगे। ऐसे लोग जो इनके खानदानी निजाम को चैलेंज करेंगे। इनकी इस खुदगर्जी का नतीजा क्या हुआ? यहां नौजवानों में जमहूरियत से भरोसा कम होता गया। उनको लगता था कि वोट डाले या ना डाले, आना तो इन्हीं तीन खानदानों को है। आप जरा याद कीजिए, किन हालातों में इलेक्शन होते थे? शाम 5-6 बजे के बाद सारी कैंपेन बंद हो जाती थी, डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था, और कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी ये तीन खानदान इससे खुश रहते थे। आपके हक हुकूक छीन कर ये लोग मौज में रहते थे। पहले के उन हालातों से अलग अब कितना कुछ बदल गया है। आज देर रात तक कैंपेन हो रही है, आज लोग जमहूरियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
यहां के युवा में भरोसा जागा है कि उनका वोट, उनका जमहूरी हक ही सही बदलाव ला सकता है। साथियों, जमहूरियत को लेकर यही आस, यही उम्मीद बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है। आज देखिए, यहां जो एजाज हसन जैसे हमारे नौजवान हैं, वे इन खानदानी पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं। और जब ये लोग एजाज हसन जैसे नौजवानों को गालियां देते हैं, तब साफ होता है कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी से ये तीन खानदान कितने डरे हुए हैं।